हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जगदीश स्माइल में आपका स्वागत है। और आज हमारी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिलीवरी के बाद जो मोस्टली मॉम को और बेबीज़ को गैस प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, तो आज हम उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। तो जो बेबीज़ को आप डिलीवरी के बाद देखते हैं उनका पेट बहुत टाइट होता है, वो रेगुलर पॉटी नहीं करते हैं, या फिर मॉम्स को भी बहुत गैस प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद क्या होता है कि हम लोगों का वॉक बहुत कम हो जाता है, बेबी बहुत छोटा होता है, तो मोस्टली टाइम हमारा बेड पे ही निकलता है, तो इस टाइम पर हम लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है और बेबी को भी गैस प्रॉब्लम बहुत होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक रेमेडी बता रही हूँ, ये बहुत ही ईजी रेमेडी है, इसको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे भी कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। हम लोगों को एक वाटर लेना है, वार्म वाटर, हॉट वाटर बनाना है। उसकी रेसिपी ये है कि हमको एक तवेली में या फिर जो भी आप कंफर्टेबल फील करें, जितना पानी आप पीते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक पूरा फुल पानी भर लें, उसमें 2 टेबल स्पून अजवाइन और 4-5 लौंग ये हमको उसमें डालना है, और उसको 10 से 15 मिनट तक अच्छा बॉईल करना है जब वो पूरा अच्छा उबल जाए, और जो अजवाइन और लौंग है उसका पूरा का पूरा जो रस है, जो अर्घ है, वो उस पानी में उतर जाए। तो हमको उसको इतनी देर तक गर्म करना है और फिर हमको रेगुलरली उस पानी को ही पीना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इस पानी को पी रहे हैं तो आप उसके साथ साथ नॉर्मल पानी भी लें। अगर ठंड का सीज़न है तो आप इस पानी को कुनकुना भी पी सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठंड में तो कुनकुना पानी अच्छा लगता है। इससे आपको एक और फ़ायदा होगा कि आपका जो डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, मोटे होने लगते हैं, तो इस पानी के पीने से हम लोगों को वो प्रॉब्लम भी नहीं होती है, हमारी टमी भी जो रहती है वो बाहर नहीं निकलती अगर हम ठंड में ये कुनकुना पानी पीते हैं तो। और साथ में क्या होता है कि बेबी हमारा फीड करता है, तो जब वो फीड करता है तो ये जो हमारे बॉडी में गर्म तासीर रहती है इस पानी को पीने के बाद में, तो उन लोगों को भी गैस प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ में हम लोगों से एक और एडवांटेज है कि बच्चे जो रहते हैं उनको कोल्ड की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि अजवाइन भी गर्म होती है और लौंग भी गर्म होती है, तो उससे जो बच्चे रहते हैं उनको सर्दी कोल्ड की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। मेरा भी अभी 2 ईयर का बेबी है, तो मैंने तो ये जो वाटर है पूरा 1 ईयर तक लिया था, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो 6 मंथ तक तो आपको इसको लेना ही है, और नहीं हो पा रहा है तो आप 1 से 2 मंथ तो इस पानी को जरूर लें। अब क्या होता है कि गर्मी में हम लोग ये पानी नहीं पी पाते, क्योंकि गर्मी में मोस्टली हम लोग को ठंडा पानी पीने की ज़रूरत रहती है, तो आप पानी पूरा यही बनाएं सेम मैंने जो बताया है, लौंग और अजवाइन का ही, लेकिन इसको आपको ठंडा करने के लिए आपको फ्रिज में नहीं रखना है। इस पानी को आप या तो मटके में भर सकते हैं, या स्टील की जो गुण गगरे आते हैं आप उसमें भर सकते हैं, और इसको ठंडा करने के लिए आप इसके ऊपर गीला कपड़ा लपेट दीजिए। जब आप इस पर गीला कपड़ा लपेट देते हैं तो ये पानी हमारा पूरा नॉर्मल ठंडा हो जाता है, जैसा मोस्टली फ्रिज में होता है शायद वैसा भी हो सकता है, लेकिन हमको इतना ठंडा पानी नहीं पीना है। डिलीवरी के बाद बोलते हैं कि ठंडा पानी पीने से आपका पेट बाहर निकल बाहर आ जाता है, तो हमको इतना ठंडा करके नहीं पीना है, नॉर्मल आप उसको ठंडा कर सकते हैं। और इसके साथ आपको फिर दूसरा पानी यूज़ नहीं करना है, आपको अजवाइन और लौंग का ही पानी पीना है। और जब आप 1 मंथ अजवाइन लौंग का पानी पी लेते हैं तो फिर उसके बाद में आप लोग लौंग को अवॉइड कर सकते हैं 1 महीने के बाद, क्योंकि गर्मियां हैं तो लौंग मोस्टली गर्म होती है, तो इससे आपको हो सकता है कि पेट में कुछ प्रॉब्लम होने लगे, गर्म लगने लगे, तो आप लौंग को अवॉइड कर सकते हैं। ओनली अजवाइन, अजवाइन को आप पानी में वही उबाल लीजिए और उसको ठंडा कर लीजिए और इस पानी का यूज़ करिए। तो आप इस पानी का यूज़ करने से आपको 2 से 3 फायदे हैं, एक तो आपको फैट नहीं बढ़ता है, आपकी टमी नहीं निकलती है आफ्टर डिलीवरी, और आपके बच्चे को कोल्ड और गैस प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरी ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।